Hello students, good morning to all of you and welcome again to my channel Sun Physics. Last video में हमने electrostatics revision start किया था और उसका first part finish कर दिया था. आज हम उसका second part करने वाले हैं. अगर आपने last video नहीं देखा है तो जो link इसके description box में given है वहाँ जाके आप वो video देख सकते हैं और अपना chapter thoroughly revise कर सकते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक है गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक कोई क्लोज सरफेस है उसके अंदर कोई चार्ज Q मौजूद है तो इस क्लोज सरफेस का जो टोटल फ्लक्स है फाई वो EDS होता है. क्लोज सरफेस के लिए वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं बता दूं कि किसी एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो उस एरिया का फ्लक्स होता है. अगर मान लिया ये कोई एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ई जा रहा है तो फाई होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर दैट इज ई ए कॉस थीटा. ये जो थीटा है वो एरिया वेक्टर यानी कि एरिया का नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में एंगल है. ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज क्यू रखा है तो उसका जो फ्लक्स होता है उस क्लोज सरफेस का वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट्री सेगमेंट ले देता हूँ जिसका एरिया सपोज डीएस है, उसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा ई वो भी बाहर की तरफ होगा तो दोनों के बीच में एंगल हो गया जीरो. तो अगर मैं इस छोटे से सेगमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई देखूं दैट विल बी ई ds cos theta. theta मैंने अभी बताया zero है तो it will be E ds cos zero यानी कि E into ds. ये आपके पास small flux हो गया. पूरे sphere के लिए total flux वो इसका integration हो जाएगा. it will be integration d phi E integration E ds E, क्योंकि आप sphere के ऊपर खड़े हैं, इसकी radius मान लिया r है तो radius सारी जगह same है, सेम चार्ज के कारण फील्ड देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा. इसको बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन डीएस. ये होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर. पूरे स्फीयर का एरिया वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर. के की वैल्यू क्या होती है, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो आपका फाई कितना आ गया बेटा Q by epsilon naught, which is the statement of Gauss theorem. इसका हम कहाँ-कहाँ use कर सकते हैं अब वो देखिए. देखिए ये Gauss theorem का पहला application है in case of line of charge. आपके पास line of charge है, उससे कुछ दूरी पे आपको electric field intensity निकालनी है with the help of Gauss theorem. देखिए ये हमारे पास line of charge है, मान लिया इसके ऊपर ये charge है और इसकी लंबाई मान लिया यहाँ पे इस point पे पहले हम देखते हैं कि ये r दूरी है, यहाँ पे field निकालना है. तो मैं क्या करता हूं, अब मुझे पता है लैम्डा ये लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है क्यू बाय एल, तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे लैम्डा एल. मैं क्या करता हूं, इससे होता हुआ एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करता हूं क्योंकि गॉस थ्योरम इंप्लीमेंट करने के लिए एक क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज होना जरूरी है. तो अपन मुझे इस पॉइंट पे कंसीडर करना है तो इस पॉइंट से होता हुआ एक सरफेस कंसीडर किया, वो गॉसियन सरफेस मेरे पास सिलेंड्रिकल आ गया. इस सिलेंडर के तीन सरफेस हैं, जैसे सपोज ये एक सिलेंड्रिकल फिगर है, एक सरफेस इधर का हो जाएगा, एक इधर का, एक ये जो कर्व्ड सरफेस है ये हो जाएगा. तो जो टोटल फ्लक्स होगा इसका मान लिया 1 दे देते हैं नाम, इसका नाम 2 दे देते हैं या लेफ्ट राइट कह देते हैं, ये लेफ्ट ये राइट और ये ऊपर वाला कर्व्ड. तो फाई जो होगा वो फाई लेफ्ट प्लस फाई राइट प्लस फाई कर्व्ड होगा. अब यहाँ पे देखिए इस लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होंगी, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, दोनों के बीच में जो एंगल हो गया वो 90 हो गया. यहाँ में कोई स्मॉल एरिया सेगमेंट लो, उसका एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, थीटा हो गया 90. यानी कि लेफ्ट और राइट के लिए जो थीटा की वैल्यू है वो 90 है, थीटा 90 है तो कोस 90 जीरो, तो फ्लक्स जीरो, यहाँ से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा. अगर मैं यहाँ एरिया सेगमेंट लेता हूँ, यहाँ ले लो कहीं पे भी, तो उसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, फील्ड लाइन भी बाहर की तरफ, थीटा हो गया जीरो. ठीक है, थीटा जीरो होने का मतलब क्या है कि जो फ्लक्स होगा वो जीरो नहीं होगा. तो केवल ये आपका जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि थीटा जो है वो 90 है दोनों केस में,
यहाँ पे थीटा जो है वो जीरो है, तो इंटीग्रेशन ई डी एस कोस जीरो, आई कैन राइट ई बाहर ले लेते हैं डी एस। अब मान लिया यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो एल है, रेडियस आर, तो ये पूरा जो कर्व सरफेस एरिया हो गया इंटीग्रेशन डी एस दैट विल बी टू पाई आर एल। वैल्यू रख देते हैं ई इंटू टू पाई आर एल, इसको हम इक्वेशन नंबर वन कह देते हैं, ठीक है जी, टू पाई आर एल। अब यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या यूज करके ही तो करना है ना ये सारा, तो गॉस थ्योरम के हिसाब से फाई हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और मैंने अभी बताया था क्यू ये होता है लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। इक्वेटिंग वन एंड टू व्हाट वी गेट, ई इंटू टू बाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, एल से आ गया ई बराबर आ जाएगा लैम्डा बाय टू बाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है। लाइन ऑफ चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम हमने यहाँ यूज किया। अब मैं नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ इसका, शीट ऑफ चार्ज। अगर मेरे पास कोई शीट ऑफ चार्ज है और उसकी वजह से किसी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। सेकेंड है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू uniformly charged sheet, जैसे सपोज ये चार्ज शीट है मेरे पास, ये पुलिस वाली चार्ज शीट नहीं है बेटा, साफ कर लेते हैं, इस तरह से पॉजिटिव है। यहां कोई पॉइंट है जहां पर मुझे फील्ड निकालना है। सबसे पहला केस मैंने बताया था आपको, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करो जिसके अंदर से चार्ज पास हो, तो क्योंकि इस पॉइंट पे निकालना, तो यहां से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल हो जाएगा, वो इसके पार चिप जाएगा, तो एक तरह से ये वाला सेगमेंट यहां पे चार्ज होगा। अब अगेन वी आर हैविंग अ गॉसियन सिलेंडर, इस वाले का जो एरिया वेक्टर है वो इधर है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये चार्ज शीट किस तरह से है बेटा, लेट मी एक्सप्लेन यू। जैसे सपोज ये शीट है, चार्ज जब ऐसे वो पास होगा तो इसका मतलब इधर भी चार्ज है, इधर भी चार्ज है, इसकी वजह से यहां फील्ड इस तरफ, इसकी वजह से यहां फील्ड इस तरफ, तो इसका मतलब दोनों सरफेस पे जो फील्ड होगा यहां पे भी इस तरफ होगा, और एरिया वेक्टर भी इधर है, थीटा हो गया जीरो। राइट वाले में ये एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, थीटा हो गया जीरो, लेकिन कर्व सरफेस के ऊपर एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, थीटा हो गया 90। इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ फाई इज इक्वल टू फाई लेफ्ट प्लस फाई राइट प्लस फाई कर्व, तो पहले क्या हुआ था पिछले केस में, लेफ्ट और राइट वाले केस में थीटा 90 था तो उनका फ्लक्स जीरो हो गया था, यहाँ लेफ्ट और राइट में थीटा जीरो है तो उनका फ्लक्स जीरो नहीं होगा, लेकिन कर्व वाले का जीरो हो जाएगा, ये जीरो, इट विल बी फाई इज इक्वल टू फाई लेफ्ट प्लस फाई राइट, तो इस केस में भी थीटा जीरो होगा, इस केस में भी थीटा जीरो होगा, तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस टू ई इंटीग्रेशन डी एस, या फिर फाई कैन बी रिटन एज, ध्यान दीजिए इसका डी एस है छोटा एरिया, जो सेगमेंट लिया हमने यहां पे ये डी एस है, टोटल क्या हो जाएगा एस ले लेते हैं, तो इट विल बी टू ई एस, इक्वेशन नंबर सॉरी वन। अब यहां सरफेस पे चार्ज है तो विल यूज द कंसेप्ट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, हमें पता है सिग्मा जो है वो क्यू बाय एरिया होता है, तो क्यू हो जाएगा सिग्मा इनटू एरिया, ठीक है, तो फ्लक्स क्या होता है, क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है उससे फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यूजिंग गॉस थ्योरम इट विल बी सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर टू। यूजिंग वन एंड टू 2ES is equal to sigma S by epsilon naught cancel, E हो जाएगा 1 by 2 epsilon naught into sigma। ये एक शीट की वजह से गॉस थ्योरम से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। अब आगे चलते हैं,
मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि अगर ये हमारे पास दो शीट हैं, एक का सिग्मा वन डेंसिटी, एक का सिग्मा टू, तो तीन रीजन ये और ये, यहाँ पे फील्ड जो होगा अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो उसकी वजह से दोनों फील्ड इधर हो जाएंगे ई वन और ई टू। मैं लेफ्ट वाले को नेगेटिव लेता हूँ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी माइनस ई वन माइनस ई टू, दैट इज माइनस सिग्मा वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, या फिर माइनस वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू। यही चीज यहाँ पे जो होगी क्योंकि राइट में पॉजिटिव हो जाएगा, सो इसको हम ई लेफ्ट कह देते हैं, राइट कह देते हैं, सेंटर कह देते हैं, ई लेफ्ट ई आ जाएगा आपके पास। ई राइट क्या आ जाएगा, प्लस वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, क्योंकि राइट में जो फील्ड होगा वो इतना ही होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। सेंटर में इस वाले कारण फील्ड की डायरेक्शन ये, इसके कारण ये, तो ई वन पॉजिटिव ई टू नेगेटिव, तो ई सेंटर विल बी ई वन माइनस ई टू, दैट इज सिग्मा वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन नॉट वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू। और अगर दोनों सेम हो, बिल्कुल एक जैसे चार्ज डेंसिटी हो, तो सिग्मा वन सिग्मा टू इक्वल कर दो तो ये जीरो हो जाएगा, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो तो ये कैंसिल सेंटर में माइनस माइनस प्लस, तो ई सेंटर उस केस में आ जाएगा। अगर अब की बात कर रहे हैं सिग्मा वन को प्लस सिग्मा ले रहे हैं, सिग्मा टू को माइनस सिग्मा ले रहे हैं, तो ई सेंटर आ जाएगा वन बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा। दिस इज यूज्ड इन केस ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे हम, ध्यान रखिएगा वो हम ये यूज करेंगे। ठीक है, स्फेरिकल शेल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो आपके सिलेबस से हट चुका है। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है। देखिए ये मेरा कोई चार्ज है Q, कुछ दूरी पे यहां कोई चार्ज Q नोट पड़ा है, मैं इसको यहां से यहां तक लाना चाहता हूं तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर रिपल्शन फोर्स लग रहा है F इलेक्ट्रिक, उस रिपल्शन के अगेंस्ट आप आ रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क ये जो मेरा सिस्टम बना एक तरह से दो चार्ज का जिनका आपस में डिस्टेंस सपोज आर है, वो वर्क इन दोनों पॉइंट के बीच में यहां और यहां पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहलाएगा। मान लिया हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आते हैं, तो जितना वर्क करना पड़ता है वो उन दोनों पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, इसी से आगे की डेफिनेशन बनती है, पहले मैं इसका डेरिवेशन कराता हूँ फिर थोड़ा मॉडिफिकेशन करके बाकी चीज बता दूंगा। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि सपोज ये आपका चार्ज है क्यू, ये चार्ज है क्यू नॉट, फिलहाल ये आर वन डिस्टेंस पे है। ठीक है, उसको हम लाते हैं यहां पे, ये डिस्टेंस है आर टू, यहां से यहां लाते वक्त मान लिया किसी टाइम ये यहां पे है और ये दूरी जो है फिलहाल दिस इज आर, तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज व्हाट एफ इलेक्ट्रिक, कितना के क्यू क्यू नॉट, इसको क्यू नॉट ले लेते हैं, बाय आर स्क्वायर। अब स्मॉल वर्क डन जो यहां से हम सपोज यहां तक लेके आते हैं, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है डी आर। अब बेटा ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और हम लेके आ रहे हैं इसको इधर, तो ये जो एंगल हो गया ये 180 हो गया, तो स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू वो हो जाएगा एफ डॉट डी आर, दैट इज एफ डी आर कॉस 180, यानी कि माइनस एफ डी आर हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमें पता है माइनस के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर डी आर। टोटल वर्क डन कहां से कहां तक, आर वन से आर टू तक, आर वन से आर टू तक, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर इनटू डी आर। यहां पे हम क्या करते हैं माइनस के क्यू क्यू नॉट बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन वन बाय आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम लिमिट आर वन टू आर टू, ये रह जाता है। तो इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, माइनस वन बाय आर आ जाएगा,
माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो के क्यू क्यू नॉट वन बाई आर आर वन टू आर टू। अब फॉर्मूला क्या है, के क्यू क्यू नॉट वन बाई आर टू माइनस वन बाई आर वन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला। इसको मैं यू भी लिख सकता हूँ, कहाँ से कहाँ तक, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दिस इज यू ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, यू ए बी इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। तो यू बी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट बी, यू ए पोटेंशियल एनर्जी एट ए, इसको मैं लिख सकता हूँ के क्यू क्यू नॉट बाय आर टू माइनस के क्यू क्यू नॉट बाय आर वन। ठीक है, तो ये दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आ गया। अब अगर ये जो पॉइंट है दूसरे वाला, ये फाइनाइट डिस्टेंस ना होके इनफाइनाइट हो, तो जब मैं आर वन को इनफाइनाइट करूंगा, ये टर्म खत्म हो जाएगी, केवल ये बचेगी। तो ये क्या है, ये इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है। यानी कि अगर मैं जो चार्ज को लेके आ रहा हूँ वो इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे, तो जो वर्क होगा वो उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, अब अगर तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का भी फॉर्मूला आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का भी आ गया। अब मैं आता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस पे। अगर ये जो चार्ज मेरा क्यू नॉट है ये वन कूलम हो, तो फॉर्मूले के अंदर क्या चेंज आएगा, इसको आप वन कर देंगे, तो ये जो बन जाएगा ये पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा वी बी माइनस वी ए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ता है वो उन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और अगर उसमें भी आपने क्यू नॉट को तो वन कूलम किया ही हुआ है, आर वन को इन्फिनिटी भी कर दो, तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, आपके पास बचेगा केवल के क्यू बाई आर टू। तो ये क्या है, दिस इज वी बी, पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, तो इसका मतलब आपके पास पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया ये वाला। ठीक है, अब आपके पास चार फॉर्मूले हैं, एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्केयर, E is equal to K Q by R square, U is equal to K Q Q naught by R, V K Q by R। ये दोनों क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटी हैं, ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स केवल दो चार्जेस के बीच में होता है, फील्ड अकेले चार्ज की वजह से उसके चारों ओर होता है। पोटेंशियल एनर्जी जब दो चार्जेस को इन्फिनिटी से किसी डिस्टेंस पे हम लेके आते हैं, तो जो वर्क करना पड़ता है ऐसा सिस्टम बनाने में, वो उन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। और एक पर्टिकुलर चार्ज है उसकी वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, वन कूलम चार्ज को वहां लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल होता है। तो ये चारों डेफिनेशन जो है और फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं है सिंगल चार्ज हो, बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, उस उन चार्जेस की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड निकालना हो, जैसे मान लिया ये कोई चार्ज है Q नॉट, यहां ये दूरी R1, और मान लिया ये दूसरा चार्ज है Q, इसको R नॉट ले लेते हैं, ये Q1 है, ये दूरी R1 है, यहां कोई चार्ज है Q2, ये R2 है, ऐसे तो बहुत सारे चार्ज हैं और इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है। तो नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू V0 प्लस V1 प्लस V2 अप टू Vn, इट विल बी K Q0 बाय R0 प्लस K Q1 बाय R1 प्लस K Q2 बाय R2 एंड सो ऑन। K सब में कॉमन है, तो V कैन बी रिटन एज समीशन K Qi बाय Ri, I फ्रॉम 1 टू N, या फिर K को बाहर ले लो, ये आपके पास जनरल फॉर्मूला आ गया आई फ्रॉम वन टू एन। तो अगर मैं डाइपोल की बात करूं तो डाइपोल भी क्या है, एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, उसमें एक से ज्यादा चार्ज है, उस डाइपोल की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें पोटेंशियल निकालना हो, तो
तो वो कैसे निकलता है आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सपोज ये हमारे पास डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये सेंटर से कुछ दूरी पे हम आते हैं, यहां हमें फील्ड निकालना है। अब मैं क्या करता हूं, मुझे एक तो ये डिस्टेंस देखना है, सपोज ये जो डिस्टेंस है दिस इज आर वन, और एक डिस्टेंस ये वाला देखना है, सपोज दिस इज आर टू। अब ध्यान दीजिए मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, इसको आगे बढ़ाता हूं, यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ये एंगल अगर थीटा है और मुझे पता है डाइपोल का जो टोटल डिस्टेंस होता है दोनों चार्जेस के बीच में वो 2a होता है, सेंटर से कितना हो जाएगा a हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस x और ये वाला भी x। तो ध्यान दीजिए इससे ऊपर जितना ये है उतना ये है, यानी कि r1 जो है वो टोटल r से इतना कम है, आई कैन राइट r1 इज इक्वल टू r माइनस x। सिमिलरली सिमेट्री से r2 जो है वो r से इतना ही ज्यादा है, तो r2 कैन बी रिटन एज r प्लस x, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल इस पॉइंट पे v विल बी v1 प्लस v2, v1 इज इक्वल टू k प्लस q, ये पॉजिटिव ले लेंगे क्योंकि इसके कारण पोटेंशियल में ये वाला डिस्टेंस यूज होगा, ये वाला चार्ज यूज होगा, इसके कारण पोटेंशियल में नेगेटिव चार्ज और R2 यूज होगा, सो माइनस के क्यू बाय R2, के क्यू कॉमन लिया जा सकता है 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, या फिर के क्यू R2 माइनस R1 बाय R1 R2। अब आपके पास R1 और R2 की वैल्यू है, हम रख सकते हैं यहाँ पे के क्यू R प्लस X माइनस R माइनस X और R प्लस X इंटू R माइनस X, इट विल बी क्या आ जाएगा के क्यू आर से आर कैंसिल, ये हो जाएगा 2x by r square minus x square। अब ये x क्या है, इस ट्रायंगल के अंदर ये 90 है, तो a तो हाइपोटेन्यूस हो गया, x बेस हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ये हो जाता है cos थीटा, तो x आ जाएगा a cos थीटा, रख देते हैं तो हमारे पास आ जाता है के क्यू इंटू टू ए कॉस थीटा बाय आर स्केयर माइनस ए कॉस थीटा स्केयर, क्यू इंटू टू ए हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डाइपोल मोमेंट होता है पी, तो वी कैन बी रिटन एज के पी कॉस थीटा बाय आर स्केयर माइनस ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा। अब अगर ये थीटा जीरो होगा तो एक्सियल लाइन पे निकल जाएगा, थीटा 90 होगा तो इक्वेटोरियल पे, देखिए ध्यान से थीटा अगर 90 है तो कॉस 90 जीरो हो जाता है, तो वी जीरो, इसका मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे हर पॉइंट पे डाइपोल पे पोटेंशियल जीरो होता है। एक्सियल पे अगर थीटा जो है वो जीरो, कॉस जीरो क्या होता है वन होता है, तो वी क्या आ जाएगा, वी विल बी के पी बाय आर स्केयर माइनस ए स्केयर, सिंपल। तो ये आपके पास एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों पे पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाता है। एक बात और ध्यान दीजिए, कई बार क्या होता है आपको ग्राफ दिया जाता है, एक यहां V, यहां सॉरी यहां R, यहां V और E दोनों इसी में, एक ग्राफ ये है एक ग्राफ ये है, आपको बताना है इसका नाम मान लिया ए रख देते हैं, इसका बी रख देते हैं, ए और बी ग्राफ में से कौन सा वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल और कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों में आर बढ़ने से क्वांटिटी कम हो रही है, लेकिन हमें पता है वी होता है के क्यू बाय आर और ई होता है के क्यू बाय आर स्केयर, इसका मतलब यह है कि अगर मैं आर को बढ़ाता हूं तो वी कम होगा, R को बढ़ाता हूँ E भी कम होगा लेकिन comparatively V ज्यादा कम हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका जो स्लोप है वो ज्यादा होगा, मोर स्लोप, तो ज्यादा स्लोप किसका है इसमें A का, सिंस A का स्लोप जो है वो बड़ा है स्लोप ऑफ B से, सो A वाला किसका है ये E है और ये V है, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं,
अगला टॉपिक है हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? ये चार्ज है, कोई स्फीयर ड्रॉ करो, तो इस स्फीयर के लिए हर पॉइंट पे रेडियस आर है और क्यू चार्ज के कारण यहां पे जो पोटेंशियल है वी वो सेम रहेगा। तो ये जो स्फीयर बना वो एक तरह से ऐसा सरफेस है जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो ये कहलाता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगर मैं पॉइंट चार्ज लेता हूं तो उसके अराउंड जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वो स्फेरिकल होता है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस उसके परपेंडिकुलर होता है। ये सरफेस जो है इस पूरे सरफेस पे, इट इज परपेंडिकुलर लाइक दिस, तो पूरे सरफेस पे पोटेंशियल एक जैसा होगा। अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे होगा, इसका पोटेंशियल भी सेम होगा, लेकिन इन दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखिए। इसका पोटेंशियल पूरे का सेम है, यहाँ पे जितना उतना, यहाँ पे उतना, यहाँ पे उतना, यहाँ पे ऐसे ही जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, लेकिन यहाँ और यहाँ पोटेंशियल सेम नहीं होगा। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस किस किस के लिए होता है? सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए हो सकता है, एक डाइपोल के लिए हो सकता है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, और दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव चार्ज के लिए भी हो सकता है। तो मैं वो दोनों आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से होंगे। जैसे डाइपोल लेते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इनकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो कुछ इस तरह से होंगे। ध्यान दीजिए, इन दोनों चार्ज के बीच वाला जो सभी दायरे हैं वो कम होते जा रहे हैं और इस साइड बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा तो उल्टा होगा, इट विल बी लाइक दिस। क्या कर रहा हूं मैं, देखो यहां गैप कम हो रहा है, यहां बढ़ रहा है, ऐसे ही ये ध्यान रखिएगा इनके जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं, और बिल्कुल इसकी बाउंड्री भी ऐसे बन जाएगी एक, ठीक है। ओवरलैपिंग मैंने दिखा दी, आप नहीं दिखाएंगे। तो इस तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। जैसे मान लिया ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके ऊपर वोल्टेज है वी। थोड़ा आगे आते हैं, ये एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहां का पोटेंशियल है वी माइनस डीवी। यहां से यहां जाने में डी आर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हमें पता है स्मॉल वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी आर होता है। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या कहा था, हमारे पास यू था पोटेंशियल एनर्जी और वी था पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल कह लो, इट वॉज क्यू के क्यू क्यू नॉट बाय आर, ये था के क्यू बाय आर। अगर मैं देखूं कि वी इज इक्वल टू यू बाय क्यू नॉट, तो पोटेंशियल क्या होता था, वन कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ रहा है टोटल वर्क इतना है, वन कूलम को लाने में बाय क्यू कर दो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस वी माइनस डी वी माइनस वी, इट कैन बी रिटन एज ई इंटू डी आर, इट इज माइनस डी वी इज इक्वल टू ई डी आर, या फिर ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन हो जाता है। लेकिन अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़े से कर्व्ड हो, जैसे मान लिया इस तरह के, और ये सपोज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है लेकिन हम मूवमेंट इधर कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है हम मूवमेंट इधर कर रहे हैं, बीच में एंगल है थीटा, तो उस केस में जो डी वी होता है दैट इज माइनस ई डी आर कॉस थीटा, ये रिलेशन होता है बेटा, ठीक है। तो ये था पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन। इसमें बेटा डी आर बाय डी वी बाय डी आर, इसको हम नाम देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट,
दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड E की जो यूनिट है वो वोल्ट बाय मीटर भी हो जाती है. ठीक है, इससे अगला हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस. बहुत सारे चार्ज अगर एक जगह पे इकट्ठे कर दिए जाएं तो ऐसा करने में जो वर्क करना पड़ता है वो उसके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है. अब जैसे मान लिया एक सिंगल चार्ज है, ये मैं यहां लेके आता हूं, तो यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा. लेकिन अगर कोई और चार्ज है क्यू वन, वो मैं इससे मान लिया आर वन डिस्टेंस पे लेके आता हूं, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा. कितना करना पड़ेगा, पहले ये देखो, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल वी वन वो हो जाएगा के क्यू बाय आर वन. पोटेंशियल क्या होता है, वन कूलम चार्ज को लाने में जितना वर्क होता है. तो W क्या हो जाएगा, W1 is equal to V1 Q1, that is K Q by R1 into Q1. अब अगर मैं यहां ये कोई पॉइंट है जो इस वाले चार्ज से सपोज R डैश डिस्टेंस पे है और इस वाले चार्ज से R डबल डैश डिस्टेंस पे है, यहां पे देखो पोटेंशियल मान लिया वो V2 है, तो V2 कितना होगा, V2 होगा इसके कारण पोटेंशियल, यानी के K Q by R dash plus इसके कारण पोटेंशियल यानी कि K Q1 by R double dash. पोटेंशियल का मतलब होता है अगर यहां वन कूलम चार्ज लाए तो हमें इतना वर्क करना पड़ेगा. अब मान लीजिए यहां पे मैं Q2 चार्ज लेके आता हूं, कहीं से Q2 लेके आता हूं, तो कितना वर्क होगा, W is equal to Q2 V2. तो ये कितना हो जाएगा, इस सारे की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, Q2 से. इसको मैं W2 मान लेता हूं, इट विल बी Q2 इनटू K Q by R dash प्लस K Q1 by R double dash. इतना और वर्क करना पड़ा. अगर मैं ये कहूं कि ये तीन चार्ज पार्टिकल का सिस्टम बनाने में टोटल कितना वर्क करना पड़ा, तो पहले हमने इतना वर्क किया था, इतना और कर दिया, टोटल वर्क W is equal to W1 plus W2, तो ये हो जाएगा K Q Q1 by R1 plus K Q Q2 by R dash plus K Q1 Q2 by R double dash. टोटल वर्क डन इन सबको जोड़ के आएगा. ऐसे अगर मान लिया कोई और पॉइंट है तो वहां पे पोटेंशियल इन तीनों के कारण निकालो, फिर कितना चार्ज वहां लेके आएंगे, वर्क डन आ जाएगा. टोटल वर्क डन वो जो अब आएगा प्लस ये सारे जुड़ते चले जाएंगे, यानी कि हर एक अगले स्टेप में पहले वाले जो वर्क हैं वो ऐड होते चले जाएंगे बेटा. अब इसमें क्या था बेटा, आपके पास पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, ये चार्ज आप विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आए थे. लेकिन अगर ऑलरेडी कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां आप चार्ज ले जाना चाहते हैं तो आपको पहले चार्ज के लिए भी वर्क करना पड़ेगा. जैसे मैंने इसमें कहा था कि पहले चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा. अब मान लिया ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे पोटेंशियल है वी वन, यहां पोटेंशियल है वी टू, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो मान लिया आर है. तो अगर मैं यहां पे कोई चार्ज लेके आता हूं क्यू वन, तो वर्क करना पड़ेगा वी वन क्यू वन. अब ध्यान दीजिए, अब अगर इस पॉइंट पे मैं कोई और चार्ज Q2 लेके आता हूं, तो पहले तो चार्ज जो पोटेंशियल था वो केवल V2 था, तो इसका मतलब जो वर्क होता वो केवल Q2 V2 हो जाता. अभी क्या होगा, अब इस चार्ज की वजह से भी तो यहां पे कुछ पोटेंशियल आ गया, तो इसका मतलब अब यहां पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, मान लिया ये B है, ये पॉइंट A है, तो पोटेंशियल एट B is equal to V2 plus इसके कारण कितना होगा, इस वाले चार्ज के कारण K Q1 by R. तो वर्क डन कितना हो जाएगा यहां तक Q2 चार्ज को लाने में, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 वो हो जाएगा V पोटेंशियल के साथ किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, चार्ज की, इनटू Q2. और पहले कितना वर्क हुआ था, V1 Q1, अब इतना हो गया, तो टोटल वर्क इज इक्वल टू Q1 V1 प्लस ये हो जाएगा Q2 V2 प्लस K Q1 Q2 बाय R. ये टोटल वर्क डन होगा.
जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किन्हीं दो चार्जेस को लेके आएंगे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। बेटा देखिए क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के बारे में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। क्या होता है, मान लिया आपने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टिंग बॉडी रख दी, ये मान लिया, तो क्या होगा बेटा, इस पॉजिटिव वजह से यहां नेगेटिव आ जाएगा, इस नेगेटिव वजह से यहां पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि ये वाला फील्ड इस तरफ था E, तो इतना ही फील्ड इसके अंदर ये E हो जाएगा। नेट फील्ड जो हो जाएगा दैट विल बी E माइनस E, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, जीरो होता है। ये कंडक्टर के बारे में पहली बात है। दूसरी बात, कंडक्टर अगर चार्ज है, चार्ज कंडक्टर सपोज ये हमारा ऐसे चार्ज कर दिया गया, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी बेटा वो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी हमेशा, ठीक है। यानी कि कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्या निकलती हैं, परपेंडिकुलर निकलती हैं। ऐसा क्यों, अगर मैं ये मान लूं कि सपोज परपेंडिकुलर नहीं निकलती तो ये एंगल थीटा मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये कंपोनेंट हो जाएगा ई कॉस थीटा। वर्क डन हमें पता है इंटू डी आर इज इक्वल टू जीरो। अब ये पूरा कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ये आपके फॉर्मूले में डी वी होता है वो जीरो हो गया, तो डी वी जीरो का मतलब ये पूरा जीरो, इसका मतलब ई इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा जीरो। ना ई जीरो है ना डी आर जीरो है, तो कॉस थीटा क्या है जीरो, यानी कि थीटा क्या हो गया 90। तो इससे ये बात पता चलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती हैं हमेशा। ये दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आपका है नेट चार्ज इन इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो। इसके अंदर जो टोटल चार्ज होगा वो जीरो होगा। क्यों, क्योंकि देखिए हमें पता है इंटीग्रेशन ई डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम की हेल्प से। अब क्योंकि हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो है, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट भी क्या है जीरो है, तो Q क्या है जीरो। इसका मतलब कंडक्टर के अंदर की साइड कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए कंडक्टर के बारे में, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो मैंने बताया था कि वो कॉन्स्टेंट होता है क्योंकि डी वी जीरो है, इसका मतलब वी क्या है कॉन्स्टेंट। हमने भी पढ़ा था ना चौथा पॉइंट के ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, यानी कि वी क्या होगा कांस्टेंट। तो पूरे कंडक्टर के सरफेस पे और अंदर की तरफ जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। नेक्स्ट, कंडक्टर के ठीक बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये तो आपने पढ़ ही लिया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है और वो कितना होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। कैसे प्रूव करोगे इसको, गॉस थ्योरम से कर सकते हैं। यहां कोई पॉइंट कंसीडर कर लो, सिलेंड्रिकल सरफेस मान लो, ये वाला काम आपने किया ही हुआ, ये वाला जीरो हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक सॉरी नेक्स्ट पॉइंट जो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफरेंट एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ अ कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन। यानी कि अगर आपका जो कंडक्टर है वो एक रेगुलर शेप का नहीं है, स्फीयर नहीं है, इस शेप का हो गया मान लिया, तो क्या होगा, यहां देखिए यहां रेडियस कम है, यहां रेडियस ज्यादा है, और डेंसिटी क्या होती है q बाय 4 पाई r स्क्वायर। अगर मान लिया स्फेरिकल फिगर है तो जहां r कम होगा बेटा वहां डेंसिटी ज्यादा होगी, और जहां r ज्यादा होगा वहां डेंसिटी कम होगी। इसका मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है That is different on different point on irregularly shaped body. आगे देखिए अगली चीज हम जो करने जा रहे हैं बेटा, that is capacitance. Capacitance एक body की वो property है जिसकी वजह से वो उसमें charge store करती है।
किसी भी कंडक्टर की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी उसका कैपेसिटेंस कहलाती है। हर कंडक्टर का कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होता है और हम देखते हैं कि उस पर जैसे बॉडी पे हम पोटेंशियल डेवलप करते हैं जो वोल्टेज देते हैं उसको, तो उसके ऊपर चार्ज आता चला जाता है। जितना ज़्यादा वोल्टेज दोगे उतना ज़्यादा चार्ज आएगा, यानी कि क्यू प्रोपोर्शनल टू वी। वी जितना वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं उसका क्यू जितना उस पर चार्ज बढ़ रहा है, या फिर क्यू इज इक्वल टू सी वी, जहाँ सी को उसका कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी, इसकी यूनिट होती है फेरेड। तो 1 फेरेड इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 वोल्ट, यानी कि अगर किसी कंडक्टर का 1 वोल्ट वोल्टेज बढ़ाने से उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाए, 1 कूलम, तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो फेरेड होता है। अब क्योंकि 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज है तो 1 फेरेड बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है, इसलिए हम माइक्रो फेरेड यूज करते हैं, पिको फेरेड यूज करते हैं, मिली फेरेड, नैनो फेरेड, ये सब यूज करते हैं। ये आपको पता ही है, 10^-6 फेरेड, 10^-12 फेरेड, 10^-3 फेरेड, ठीक है। अब स्पेशली जो चार्ज स्टोर करने के लिए डिवाइस बनाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं कैपेसिटर्स। ये कितने तरह के होते हैं, ये होते हैं तो पैरेलल प्लेट, जिसके न्यूमेरिकल आप सबसे ज्यादा करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। तीसरा होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। मैं डेरिवेशन सिर्फ इसके कैपेसिटेंस का कराऊंगा, इसका डेरिवेशन मैं इस वीडियो में नहीं करा रहा, ठीक है। तो वो आप अपने डिटेल्ड वीडियो में से कर सकते हैं। अब देखिए, हमें पता है कि Q इज इक्वल टू सी वी का है, तो C हो जाएगा Q बाय वी। अब V मान लिया ये प्लेट्स हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पॉजिटिव करते हैं और बीच में एयर है, मीडियम भी हो सकता है, फिलहाल एयर है, तो इंडक्शन के थ्रू इस साइड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरी साइड पॉजिटिव। इसको हम कर देते हैं ग्राउंड, ये पॉजिटिव जो है वो ग्राउंड में चला जाता है और इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो चार्ज भी बढ़ जाता है, इसका मतलब अगर हम कैपेसिटर की एक प्लेट की साइड को ग्राउंड कर देते हैं तो उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ अ कैपेसिटर। अब अगर इसके प्लेटों के बीच की दूरी डी है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो हमें पता है V इज इक्वल टू वॉट, E इंटू डी। E कितना होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे हम। सो सिग्मा क्या है, सरफेस डेंसिटी, कैन बी रिटन एज Q बाय A, अगर एरिया A हो तो। तो ये आपके पास V की वैल्यू आ गई, इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है C इज इक्वल टू Q बाय क्यू डी बाय एप्सिलॉन नोड ए, कैंसिल, तो सी आ जाएगा एप्सिलॉन नोड ए बाय डी। ये तब है अगर इसकी प्लेटों के बीच में मीडियम नहीं भरा हुआ, अगर पूरे में मीडियम भर दें तो सी विल बी एप्सिलॉन नोड के ए बाय डी, या फिर सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोड की जगह सिर्फ एप्सिलॉन कर दो, ये फिर मीडियम की परमिटिविटी हो जाती है बेटा। अब हम करते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर को सीरीज ऑर्डर में भी जोड़ सकते हैं, पैरेलल में, जैसे हम रेजिस्टेंस में करते थे। ये आपका एक कैपेसिटर, ये दूसरा, ये तीसरा। क्या किया हमने, ध्यान दीजिए, एक कैपेसिटर की जो सेकंड प्लेट है वो अगले वाले की फर्स्ट से, इसकी सेकंड अगले वाले की फर्स्ट से, बिल्कुल फर्स्ट और बिल्कुल लास्ट को सप्लाई से जोड़ते हैं। ऐसे में क्या होता है, जो चार्ज होता है ना, चार्ज वो सब में सेम आता है। कैपेसिटेंस C1, C2, C3 है, मान लिया वोल्टेज V है तो वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी V1, V2, V3। तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला आता है बेटा, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये सीरीज ऑर्डर में आता है। पैरेलल ऑर्डर क्या होगा, ध्यान दीजिए, अगर हम क्या करते हैं, इस तरह से कनेक्ट करते हैं, यानी कि सबकी जो पॉजिटिव प्लेट है, एक प्लेट है वो सबकी एक टर्मिनल से जोड़ दी, दूसरी प्लेट सबकी दूसरे टर्मिनल से जोड़ दी और अब सप्लाई दे दी, तो ये अरेंजमेंट पैरेलल होता है। मान लिया वोल्टेज वी है तो यहाँ भी वी होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लिया यहाँ से चार्ज क्यू चला, इसको Q1 मिलेगा, इसको Q2, इसको Q3, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा पैरेलल का।
पैरेलल में कैपेसिटेंस सीधा ऐड हो जाता है, सीरीज में इनके रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं और रिजल्टेंट का रेसिप्रोकल बनाते हैं। नेक्स्ट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है? देखिए हमें पता है कि कैपेसिटर की हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उससे चार्ज बढ़ता जाता है। मान लिया किसी पर्टिकुलर टाइम पे वोल्टेज V है, दैट इज Q बाय C। हमें पता है dW बाय dQ इज इक्वल टू V होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो dW इज इक्वल टू V dQ। टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ dW, इंटीग्रेशन ऑफ V dQ, मान लिया जीरो से लेके कैपिटल Q चार्ज किया हमने टोटल, तो ये हो जाएगा Q बाय C dQ, जीरो से लेके कैपिटल Q, इट विल बी 1 बाय C Q स्क्वायर बाय 2 जीरो से लेके कैपिटल Q तक। सो इट विल बी 1 बाय 2 C Q स्क्वायर। ये हमारे पास कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला आ गया जब उसको कितना चार्ज किया गया, Q। इसको हम फर्दर Q की जगह C भी लिख दें तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है हाफ C V स्क्वायर। एक फॉर्मूला आ जाएगा हाफ Q स्क्वायर बाय 2 C पाई का था। देखिए ये फॉर्मूला था ना हमारे पास हाफ सी क्यू स्केयर की जगह सी इंटू वी स्केयर कर दिया, या फिर एक काम करो क्यू इंटू क्यू कर देते हैं, क्यू इंटू क्यू, हाफ वन बाय सी, इस क्यू की जगह सी वी लिख दिया और क्यू लिख दिया, क्या आ गया हाफ क्यू इंटू वी। तो ये भी फॉर्मूला एनर्जी का है, ये भी एनर्जी का फॉर्मूला है और ये तो है ये। तो तीन फॉर्मूले हमारे पास कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसके आ जाते हैं। अगर V और Q के बीच में ग्राफ है तो आप क्या करो उस ग्राफ का एरिया निकाल लो, वो एनर्जी आ जाएगी। अब अगर सीरीज में जोड़ते हैं कैपेसिटर्स को, उनकी टोटल एनर्जी सीरीज वाला ऐड करके आ जाएगी, पैरेलल में पैरेलल वाला ऐड करके आ जाएगी, तो उसको मैं डिटेल में नहीं कर रहा हूँ। एनर्जी डेंसिटी और देख लीजिए हाफ सी वी स्क्वायर, ये तो हो गई एक तरह से एनर्जी, उसे यू से शो कर देते हैं। स्मॉल यू इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, यानी कि इसको एनर्जी डेंसिटी बोलेंगे, हाफ सी वी स्केयर बाय कैपेसिटर की प्लेट वाला बीच का एरिया है ए, दूरी है डी, वॉल्यूम हो गया ए डी, हाफ इट कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, वी को लिख सकते हैं ई डी स्केयर और बाय में ए डी, ए से ए कैंसिल, ये आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्केयर डी स्केयर बाय डी स्केयर कैंसिल, तो स्मॉल यू की वैल्यू आ गई हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। अगला टॉपिक बेटा लॉस ऑफ एनर्जी इन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। क्या मतलब हुआ इस टर्म का लॉस ऑफ एनर्जी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज? मान लिया ये कंडक्टर है, इसके पास चार्ज है क्यू वन, कैपेसिटी सी वन, वोल्टेज है वी वन, इसका चार्ज क्यू टू, वोल्टेज V2, कैपेसिटेंस C2, इसको एक वायर से जोड़ दिया, तो एक से दूसरे में चार्ज फ्लो होगा और तब तक होगा जब तक इनका चार्ज सॉरी पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो वो जो सेम पोटेंशियल होता है उसे बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल होता है टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस, दैट विल बी Q1 plus Q2 by C1 plus C2, which can be written as C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2, इसको common potential बोलते हैं। कई बार इसके ऊपर भी question आए हुए हैं। उसके बाद loss of energy, क्योंकि ऐसा करने में energy का loss होता है। energy loss कैसे होगा? पहले initial energy निकाल लो दोनों की, ये हो जाएगी EI आई हाफ C1 V1 square plus half C2 V2 square, क्योंकि total निकालेंगे। E final हो जाती है बेटा half C1 plus C2, दोनों का पोटेंशियल सेम है इसलिए। अब लॉस कितना होता है मैं वो भी बता रहा हूँ। EI minus EF निकल के आता है half C1 C2 by C1 plus C2 V1 minus V2 whole square, ये लॉस ऑफ एनर्जी है। कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और फिर उनका पोलराइजेशन। देखिए डाइलेक्ट्रिक मैंने बताया था, जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उनको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। वो दो तरह के हो सकते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर वो जिनका कोई ना कोई डायपोल मोमेंट होता है हर मॉलिक्यूल का, यानी कि उनके मॉलिक्यूल इस तरह से होते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बीच में गैप। लेकिन नॉन पोलर में क्या होगा, मान लिया ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इन पॉजिटिव का सेंटर भी यहीं पे होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में गैप जो है वो जीरो होता है,
इसलिए डाइपोल मोमेंट मैंने बताया था 2a इंटू क्यू। किसी भी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, क्यू इंटू टू ए। लेकिन अगर दोनों चार्ज की लोकेशन सेम है तो उनके बीच में गैप जीरो होगा, इनके हर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। ऐसे मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं और ऐसे डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनको रख दूं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। जो आपका पोलर होता है उसमें तो क्या होते हैं, अलाइनमेंट हो जाती है। अलाइनमेंट मतलब सबका जो नेगेटिव है वो इस तरफ आ जाता है, पॉजिटिव इस तरफ आ गया। तो देखिए ध्यान से, ये मॉलिक्यूल है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ध्यान दीजिए, इनका यहां वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, इसका कोई रोल नहीं है। बाहर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, अंदर की वजह से देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो अपोजिट आ जाएगा। मान लिया ये ई है ये ई पी है, रिजल्टेंट फील्ड जो हो जाएगा दैट विल बी ई नॉट माइनस ई पी। तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड रिड्यूस हो जाता है। ये थी पोलर की बात। नॉन पोलर में क्या होता है, जो ये पॉजिटिव नेगेटिव है ना, जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या होंगे, खिंच जाएंगे। नेगेटिव इस साइड खिंच जाएगा, ये पॉजिटिव इस साइड, इसका मतलब इसमें स्ट्रेचिंग होगी। तो नॉन पोलर में होती है स्ट्रेचिंग, पोलर में होता है री ओरिएंटेशन। दोनों चीजों का रिजल्ट क्या होता है कि पोलर के अंदर या नॉन पोलर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कुछ ना कुछ फील्ड एग्जिस्ट करता है। इसे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ये आपका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर एक कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दे तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए। ये आपका कैपेसिटर है, इसके बीच की डिस्टेंस है प्लेटों की डी, और मैंने मान लिया ये इतना, इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, ये टी है। तो बेटा ये कितना बचा, दिस इज डी माइनस टी। इसके अंदर एयर और वैक्यूम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई नॉट कह देता हूं। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो जाएगा। अब यहां से और यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस वी है दैट विल बी वी वन प्लस वी टू। वी वन हो गया मीडियम में, वी टू हो गया एयर में। इट कैन बी रिटन एज ई मीडियम इंटू, इसको ई एम मान लेते हैं, इंटू ये डिस्टेंस है टी प्लस ये एयर या वैक्यूम में फील्ड है, लेकिन ये डिस्टेंस कितना है, डी माइनस टी। अब हमें पता है कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था वो था ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें ये भी पता है कि अगर ये मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है तो ई एम को लिख सकते हैं ई नॉट बाय के। ये पुट कर देते हैं, इट विल बी ई नॉट बाय के इंटू टी प्लस ई नॉट डी माइनस टी। मैं ई नॉट कॉमन ले लेता हूँ, I'm left with 1 by k plus d minus t. E naught को लिख देता हूँ sigma by epsilon naught 1 by k plus d minus t. ये v आ गया और हमें चाहिए c. c बराबर होता है q by v. So q by all this sigma by epsilon naught 1 by k plus d minus t. Sigma क्या है? Charge density. Q by A, it can be written as Q by A, Q से Q cancel, तो मेरे पास final formula आ जाता है epsilon naught A by D minus T plus T by K। ये बेटा मेरे पास तब formula आया है dielectric slab अगर T thickness का हो। अगर पूरे में ही dielectric slab हो तो D की जगह T ले लो, तो इसका मतलब आपके पास आ जाएगा C बराबर epsilon naught K A by D। ये हम पढ़ चुके हैं। If the slab is conducting, ये तो आपकी कौन सी स्लैब थी, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी बेटा। इफ द स्लैब इज कंडक्टिंग, नेक्स्ट केस यहीं से चेंज होना शुरू हो जाएगा इसी फॉर्मूले से। इफ द स्लैब इज कंडक्टिंग तो क्या होगा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, यानी कि ये वाला पार्ट खत्म, ये पार्ट खत्म, ये पार्ट खत्म, तो आपका रिजल्ट C इज इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाय ओनली डी माइनस टी। ठीक है, और अगर सारे में कंडक्टिव हो तो D इक्वल टू टी, तो C हो जाएगा इन्फिनिटी। यानी कि अगर पूरा कंडक्टर भर दिया जाए तो उसकी जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट हो जाएगी।
तो ये आपका फर्स्ट यूनिट फिनिश होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। इसमें मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आधा पार्ट कवर किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इसमें बाकी आधा कवर हो चुका है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम न्यूमेरिकल का एक वीडियो और करेंगे, उसका जल्दी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया। थैंक यू।